हेलो फ्रेंड्स, यह है मोटोमैक्स ब्रांड की कार वैक्स पॉलिश जिसे मैंने अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर किया था और आज हम इसी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि कार पर वैक्स पॉलिश अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये कार वैक्स हमारी कार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसे लगाने के फायदे क्या है, कार के कौन कौन से पार्ट्स पर हमें इसे अप्लाई करना है, इसे अप्लाई करना कैसे है और ये अप्लाई करने के बाद कितना चलता है और इसे लगाने के बाद क्या हमारी कार में ज़्यादा शाइन आती है या नहीं, और क्या ये वैक्स पॉलिश कार के माइनर स्क्रैचेस को भी रिमूव करती है? और साथ ही इसे लगाने के बाद मैं आपको वाटर टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, यानी कि पानी इस पर टिकता है कि नहीं, और लास्ट में आप इसे कहाँ से खरीद सकते हो। पर पहले देख लेते हैं कि इसके बॉक्स पर क्या क्या डिटेल्स मेंशन्ड है। इस पे लिखा है इट कंटेन्स कार्नोबा वैक्स। MRP इस पे 350 है, बट मुझे ये 340 का पड़ा अमेजन से, और ये 230 ग्राम्स है जो कि बहुत है 8 से 10 बार कार को वैक्स करने के लिए। और ये पिडलाइट इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है, जिनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेमस हैं, जैसे कि फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, एमसील, स्टील ग्रिप टेप या डॉक्टर फिक्सिट, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। आगे इसके थोड़ा से यूज़ बताए हैं, इसे कहाँ अप्लाई करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। इसलिए इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, हम बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी। नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ पर एक QR कोड दिया है जिसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस प्रोडक्ट का डेमो यूट्यूब पर देख सकते हो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ही। इस बॉक्स के बैक साइड में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। वैसे आगे वीडियो में ये सब मैं आपको बताता ही रहूँगा। अब इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या है। इसके प्लास्टिक लिड को हटा लेते हैं। इसमें आपको मिलता है एक एप्लीकेटर स्पॉन्ज। इसी स्पॉन्ज से आपने क्रीम पॉलिश कार की बॉडी पर लगानी है। मैं इसे वन टाइम यूज़ कर चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा गंदा दिखाई दे रहा होगा आपको। बॉक्स इसका प्लास्टिक का नहीं, मेटल से बना हुआ है और इसे खोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं कार की तरफ, जिस पर मुझे ये अप्लाई करना है। यह है मेरी टाटा नेक्सॉन कार और इसी पर आज मैं वैक्स पॉलिश करके दिखाऊंगा आपको। इसे मैंने कार शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि वैक्स लगाने से पहले कार की बॉडी एकदम साफ होनी चाहिए। मैंने अपने साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी रख लिया है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तब तक हम इस वैक्स पॉलिश को ओपन कर लेते हैं। जिन बातों का आपको ध्यान रखना है उसमें पहला पॉइंट तो ये था कि आपको पहले अपनी कार को अच्छे से धो लेना है, उसे सुखा लेना है, उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो। और दूसरा, आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में यानी कि धूप में नहीं यूज़ करना है और ना ही आपकी कार की बॉडी गर्म होनी चाहिए और ना ही आपको इसे कार के विनाइल, प्लास्टिक या रबड़ पार्ट्स पर लगाना है। इसे आपको सिर्फ कार के पेंटेड पार्ट्स पर ही लगाना है, यानी कार की बॉडी पर। अब बॉक्स ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो कि क्रीम पॉलिश कैसी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे लगाना कैसे है। इस एप्लीकेटर स्पॉन्ज से आप थोड़ी सी क्रीम लेकर कार की बॉडी पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दो। एक बात का आपको ध्यान और रखना है कि आपको वन सेक्शन एट ए टाइम, यानी एक बारी में एक कार का पार्ट, जैसे कि मैं अभी कार का बोनट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम कार के डोर्स या फिर बैक साइड में लगा सकते हैं इसे। पूरे बोनेट पे थोड़ा थोड़ा हम ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि हमें इसे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से कार की बॉडी पे पूरी तरह से फैला लेना है ताकि एक लेयर सी बन जाए पूरी बॉडी पर। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, यानी ये हमारी कार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बेनिफिट तो है इसका कि ये आपकी कार को ग्लोसी फिनिश देगा, यानी आपकी कार बहुत ज़्यादा शाइन करेगी। सेकेंड, ये आपके कार के कलर को भी फेड होने से बचाता है क्योंकि वैक्स की लेयर सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से भी आपके कार के पेंट को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड, इससे आपकी कार की बॉडी भी स्मूथ हो जाएगी जिससे डस्ट या पानी इस पर नहीं टिकेगा और बार बार आपको कार को धोना भी नहीं पड़ेगा। अब बिना पानी के ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपनी कार को ईजिली साफ कर पाओगे। और वैक्स पॉलिश का एक और फायदा ये भी है कि जो आपकी कार की बॉडी पे माइनर से स्क्रैचेस होते हैं वो भी नहीं दिखेंगे। और हाँ, एक बात और कि आपको इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे मत लगाना क्योंकि वैक्स पॉलिश में भी केमिकल्स ही होते हैं जो पेंट को ख़राब भी कर सकते हैं। और इसे अपनी आईज़ और स्किन के कॉन्टैक्ट से भी बचाना है और आपको इसे किसी खुले एरिया में यानी वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही यूज़ करना है। ये सब भी बॉक्स के पीछे ही मेंशन था। आप देख सकते हो बोनेट पर इसकी वाइट सी लेयर बनती जा रही है, जैसे जैसे ये सूखता जाएगा ये वाइट होता जाएगा। वैक्स अप्लाई किए 15 मिनट हो चुके हैं, अब बारी आती है इसे क्लीन करने की, जिससे कार में असली शाइन आएगी। वैक्स पॉलिश को साफ करने के लिए मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है,
वैसे तो हम कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, बट कपड़े से स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही है। इससे माइनर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और इसकी वाटर सोकिंग कैपेसिटी यानी कि पानी को सोखने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ का 3 का सेट मैंने अमेजन से ही ऑर्डर किया था और ये शीन ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये। इसकी थिकनेस और इसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते। 3 का सेट मुझे 390 का पड़ा था अमेजन से। मैंने लास्ट 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको दिखा देता हूँ 3 का सेट, 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर मुझे यहाँ पर मिले थे। MRP इसका 600 मेंशन है पर ये आपको 400 के अंडर ही मिलेंगे। कलर्स बहुत ही इंप्रेसिव हैं और काफ़ी फ्लफी हैं ये। पैकिंग से निकलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे थे। अगर आपको भी ये ऑर्डर करने हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो इसे। वैक्स पॉलिश को परचेज करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अब आप देख सकते हो कार की बॉडी पे एक व्हाइट से कलर की लेयर आ गई है, इसका मतलब अभी सूख चुका है। अब हमें इसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से रब करके क्लीन करना है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ बिल्कुल साफ होना चाहिए इसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे कैसे रब करना है। जिस तरह हमने सर्कुलर मोशन में वैक्स अप्लाई किया था, उसी तरह से आपको इसे रब भी करना है। अब ये काफी शाइन करने लगा है, बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश आ रही है इसकी। कार की बॉडी एकदम स्मूथ भी हो जाती है इससे, और कार की बॉडी पे जो बिल्कुल माइनर से स्क्रैचेस होते हैं वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे इसके बाद। पूरी वैक्स को आपने अच्छे से रब करते जाना है, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती रहेगी। एक चीज यहाँ पर और नोटिस करने वाली बात है कि बोनेट के साइड वाला पार्ट, यानी साइड वाला फेंडर भी काफी शाइन कर रहा है, क्योंकि इसे भी लास्ट टाइम मैंने वैक्स पॉलिश से ही पॉलिश किया था। एक बार पॉलिश करने के बाद ये काफी टाइम तक शाइन करता रहता है। जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतनी ज्यादा ग्लॉसी फिनिश ये उसे देगा। डार्क कलर की कार चमकती हुई ही अच्छी लगती है, पर वैक्स पॉलिश मस्ट है सभी कलर्स के लिए, चाहे आपकी कार का कलर व्हाइट या सिल्वर ही क्यों ना हो। वैक्स पॉलिश के बाद आपकी कार हाई ग्लॉस शोरूम फिनिश देगी एकदम। आप देख ही सकते हो कार एकदम शाइनी और स्मूथ हो गई है। अब करते हैं इसका वाटर टेस्ट। आप देख सकते हो पानी इसके ऊपर रुक नहीं रहा है, क्योंकि वैक्स की लेयर ने सरफेस को काफी स्मूथ कर दिया है, पानी इससे फिसल रहा है। जैसा कि इसके बॉक्स पे लिखा था, ये वाटर रिपेलेंट भी है। यस, ये वाटर रिपेलेंट है। वाटर रिपेलेंट के साथ साथ ये डस्ट रिपेलेंट भी होता है, डस्ट क्लीन करना भी इसके बाद काफी ईजी हो जाता है। अब हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस पानी को हटा लेते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ बिना स्पॉट छोड़े बहुत अच्छे से इसे सुखाएगा। आप देख सकते हो एक ही बार रब करने से कार के सरफेस से पानी गायब हो जाता है, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कार को धोना भी बहुत कम पड़ेगा, यानी आपको हर बार शैम्पू से कार धोने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कार को गीला करिए और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप उसे रब करके क्लीन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड वैक्स पॉलिश परचेज करनी है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से इसे क्लिक करके अमेजन से परचेज कर सकते हो, आपको बेस्ट डील मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग।